हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल मुफ्त शिक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे टॉप 30 कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब इसमें कंफ्यूज क्या करेगा, जैसे कि अफेक्ट और इफेक्ट। क्या दे रखा है स्क्रीन पे? अफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, तो अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? अफेक्ट वर्ड को हम कब यूज़ करते हैं और इफेक्ट वर्ड को हम कब यूज़ करते हैं, तो आज मैं बताऊंगी आपको ये। तो अफेक्ट, जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है AFFECT, यानी कि अफेक्ट। इस वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है प्रभावित। क्या होता है मतलब? प्रभावित। और जैसे कि हमारा सेकंड वर्ड है इफेक्ट, EFFECT, यानी कि इफेक्ट। इस वर्ड का मतलब भी प्रभावित होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है, अफेक्ट हमारा है वर्ब। क्या है अफेक्ट? वर्ब। ठीक है, और इफेक्ट हमारा जो है वो है नाउन। क्या है? नाउन। ठीक है, अफेक्ट क्या है? वर्ब। इफेक्ट क्या है? नाउन। अफेक्ट वर्ड का यूज हम कब करते हैं? जैसे कि कुछ काम हो रहा हो, यानी कि जैसे कि मौसम के कारण उसका मूड चेंज हो गया हो, तब हम अफेक्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। और इफेक्ट वर्ड का यूज़ जब होता है जब कोई काम पहले से हो रहा हो चुका हो और हमें उसने इफेक्ट किया हो, यानी कि प्रभावित किया हो। ठीक है, तो इफेक्ट वर्ड का यूज़ तब करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है, तो अफेक्ट वर्ड का यूज़ तब करेंगे। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अफेक्ट वर्ड का यूज़ जब करते हैं जब कोई वर्ब हो, यानी कि कुछ काम चल रहा हो, और इफेक्ट वर्ड का यूज़ जब करते हैं जब कुछ काम हो चुका हो, बट दोनों का ही मतलब प्रभावित होता है। आएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, बट दोनों की स्पेलिंग अलग है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड दे रखा है एक्सेप्ट, ACCEPT, तो इस वर्ड फर्स्ट वर्ड का यूज है एक्सेप्ट करना, यानी कि कोई चीज़ स्वीकार करना। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, उसकी स्पेलिंग है EXCEPT, उसकी स्पेलिंग क्या है? एक्सेप्ट की स्पेलिंग क्या है दोस्तों? EXCEPT। तो एक्सेप्ट मतलब जो हम बोलते हैं इसके अलावा हमें ये चीज़ पसंद है, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, यानी कि इसे छोड़कर हमें दूसरी चीज़ पसंद है। यहाँ पे जो ACCEPT जिसकी स्पेलिंग है एक्सेप्ट, जो कि हमारा फर्स्ट वर्ड था, उसका यूज़ हम करते हैं जब कोई चीज़ स्वीकार की जाती है। इस एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, और सेकंड वर्ड जो एक्सेप्ट है EXCEPT, इसका मतलब है किसी चीज़ के छोड़कर दूसरी चीज़ का यूज़ करना, सिंपल वर्ड्स में के अलावा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है अश्योर वर्सेस एनश्योर। अश्योर जो कि हमारा फर्स्ट वर्ड है, उसकी स्पेलिंग है ASSURE, उसका मतलब होता है किसी को दिलासा देना। अश्योर का मतलब क्या है? किसी को दिलासा देना, किसी को विश्वास दिलाना। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपको फर्स्ट वर्ड का मतलब पता चल चुका है, अश्योर का मतलब होता है किसी को दिलासा दिलाना। अब हमारा एनश्योर, ENSURE, एनश्योर वर्ड का मतलब होता है किसी बात को सुनिश्चित करना।
अब किसी बात को सुनिश्चित करेंगे तब हम इंश्योर वर्ड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारा अश्योर है उसका मतलब है किसी को दिलासा दिलाना, और सेकंड वर्ड जो हमारा इंश्योर है उसका मतलब है किसी बात को सुनिश्चित करना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय है, और दूसरा भी सेकंड वर्ड है वाई है, बी यू वाई वाई, और यहाँ जो सेकंड वर्ड की स्पेलिंग है वी वाई। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट दोनों की स्पेलिंग अलग है। जो ये बी यू वाई वाला वाई है इसका मतलब होता है खरीदना, और जो हमारा ये बी वाई वाला मतलब होता है इसका मतलब है के द्वारा। तो दोनों में डिफरेंस पता चला, बी यू वाई मतलब होता है खरीदना और बी वाई मतलब होता है के द्वारा, कि हमने इसके द्वारा इस काम को किया है, हमने पेन के द्वारा कॉपी पर लिखा है, तो तब बी वाई का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ हम खरीदेंगे तो तब हम बी यू वाई का यूज़ करेंगे। तो वी यू वाई वाई का मतलब है खरीदना, और सेकेंड वर्ड वी वाई उसका मतलब है के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रॉड वर्सेस वॉड, यानी कि ब्रॉड फर्स्ट वर्ड जिसकी स्पेलिंग है बी आर ओ यू जी एच टी, ब्रॉड यानी कि किसी चीज़ को लाना, कोई काम जिससे कोई चीज़ है। ब्रॉड का सीधा सा मतलब है लाना, सिर्फ ब्रॉड का मतलब क्या होता है लाना। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा बी ओ यू जी एच टी, बॉड क्या है, बी ओ यू जी एच टी, बॉड। बॉड का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। अब डिफरेंस पता चल रहा है, जो ये जो ब्रॉड है इसका मतलब आपने देखा, इसका मतलब है कि किसी चीज़ को लाना, क्या है इसका मतलब, किसी चीज़ को लाना। और जो दूसरा ब्रॉड है ना, फर्स्ट वर्ड है हमारा ब्रॉड उसका मतलब है लाना, और बॉट मीन्स खरीदना, क्या मतलब है इसका, खरीदना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स हम। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, या जो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है इससे रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है, या फिर आप कुछ भी बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो सीरियल, सीरियल और सीरियल, यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे हैं। फर्स्ट वर्ड जिसकी स्पेलिंग है सी ई आर ई ए एल, फर्स्ट वर्ड जो हमारा है सीरियल, इसकी स्पेलिंग सीरियल है, यानी कि सी ई आर ई ए एल, इसका मतलब है अनाज, यानी कि अनाज में जो चीज़ें आती हैं, जब आपको अनाज वर्ड का यूज़ करना होगा दैट मीन्स इस वाले सीरियल का यूज होगा जो हमारा फर्स्ट वर्ड दे रखा है, यानी कि सी ई आर ई ए एल। और सीरियल, अब यहाँ पे सेकंड वर्ड जो हमारा है उसकी स्पेलिंग है एस ई आर आई ए एल, यानी कि जो सीरियल वर्ड है उस, तो यहाँ पे जो सीरियल है इसका मतलब है आपका फ्रेंड्स क्रमिक, किसी चीज़ को सीरियल वाइज करना। अब आपको डिफरेंस पता चला, जो कॉन्सोनेंट था इस वाले स्पेलिंग का सीरियल, या कि सी, तो सी का मतलब जहाँ पे सी ई आर ई ए एल आ जाए वहाँ आप समझ जाना कि अनाज है उस सीरियल का मतलब, जहाँ आपका एस ई आर आई ए एल आ जाए वहाँ आपका मतलब है उस सीरियल से, जो कि सीरियल वाइज हम लोग बोलते हैं ना कोई भी काम क्रम में करना, दैट मीन्स एस ई आर आई ए एल, सीरियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। कई बार आपने कॉम्प्लीमेंट का वर्ड तो सुना होगा, मतलब बहुत से लोगों का मतलब यही पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो बस कॉम्प्लीमेंट। अभी अब यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपका दिख रहा है दो वर्ड्स हैं, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्लीमेंट है बट दोनों के कॉन्सोनेंट अलग है ना। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें जो ये ई दिख रहा है आपको फर्स्ट वर्ड में, सेकंड वर्ड में आई है, बट इतना ही डिफरेंस है ना। अब आप लोग कहेंगे कि इतना ही डिफरेंस है तो इसमें क्या इतना डिफरेंट है, बट दोनों के मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है,
प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों की स्पेलिंग यानी कि दोनों के कॉन्सोनेंट अलग है। फर्स्ट वर्ड में ई कॉन्सोनेंट का यूज है और सेकेंड वर्ड में आई कॉन्सोनेंट का यूज है, तो इतने ही डिफरेंस में आपका पूरा मतलब यहाँ पे वर्ड मीनिंग चेंज हो गया है। फर्स्ट वर्ड है जो जिसकी स्पेलिंग है सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी, इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है मीनिंग है पूरा यानी कि पूरक। अब सेकेंड वर्ड है जो हमारा सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट उसका मीनिंग है प्रशंसा। क्या है मीनिंग? प्रशंसा यानी कि डेली डेली आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट तो करता ही होगा, तो वही वाला ये कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट का है जो हमारा सेकेंड वर्ड है नीचे जो आपको दिख रहा होगा, ये इसका मतलब है प्रशंसा करना। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है फर्स्ट वर्ड जो कॉम्प्लीमेंट है जिसमें ई कॉन्सोनेंट का यूज है उसका मतलब है आपका पूरा, और जो हमारा सेकेंड वर्ड है उस कॉम्प्लीमेंट में आई कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है तो इसका मतलब है प्रशंसा। अब है नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे डेजर्ट एंड डेजर्ट, बट इन दोनों में डिफरेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट वर्ड है डेजर्ट, उसमें सिंगल एस का यूज है देख रहे होंगे, बट जो सेकेंड वर्ड है उसमें हमारा डबल एस का यूज है, मतलब दोनों को ही कॉन्सोनेंट अलग है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है डी ई एस ई आर टी, तो डेजर्ट का मतलब होता है जो फर्स्ट वर्ड है इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, क्या होगा? रेगिस्तान। बट जो हमारा सेकेंड वर्ड है डेजर्ट डी ई डबल एस का यूज हुआ है ई आर टी, जब डबल एस वाले डेजर्ट की बात आए तो उसका मतलब है मिठाई। जहाँ सिंगल कॉन्सोनेंट यानी कि सिंगल एस की बात आए वहाँ डेजर्ट, उस डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान, जब डबल एस डेजर्ट की बात आए तो उस डेजर्ट का मतलब है मिठाई। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर इसमें इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब है डिफेंस एंड डिफेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, डिफेंस और डिफेंस दोनों ही सेम वर्ड है और दोनों में ही सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट जो हमारा फर्स्ट वर्ड है डिफेंस उसकी स्पेलिंग यानी कि उसमें जो एक कॉन्सोनेंट है वो सी है और सेकेंड वर्ड है उसमें कॉन्सोनेंट एस है। आपको डिफरेंस तो दिख ही गया होगा कि जो फर्स्ट वर्ड है उसमें सी वर्ड का यानी कि सी लेटर का यूज़ हुआ है और जो सेकेंड वर्ड है उसमें एस लेटर का यूज़ हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस समझाया है कि पहली बात तो इन दोनों के स्पेलिंग ही डिफरेंस है, बस उसमें एक कॉन्सोनेंट डिफरेंट है, उसी कॉन्सोनेंट के कारण दोनों का मतलब ही डिफेंस मतलब आपको समझ आ रहा हो कि रक्षा, और नहीं समझ आया तो मैं बताती हूँ, डिफेंस मतलब ही रक्षा होता है, इस डिफेंस का मतलब भी रक्षा है, बट इसमें सी और एस डिफरेंट है। फर्स्ट वर्ड जिसमें सी कॉन्सोनेंट का यूज़ हुआ है और सेकेंड वर्ड जिसमें एस कॉन्सोनेंट का यूज़ हुआ है, तो इसी से ही जैसा कि ये है हमारी ब्रिटिश इंग्लिश, जब हम ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, जब हम अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं तो डिफेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। पहले दोस्तों हम अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ करते थे, ये वाला जो फर्स्ट वर्ड दिख रहा है आपको डी ई एफ ई एन सी ई, इस डिफेंस का यूज़ करते थे, इस वर्ड का यूज़ करते थे स्पेलिंग लिखते टाइम, बट आजकल हम एस जो जिसकी स्पेलिंग है सेकेंड वर्ड जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे डी ई एफ ई एन एस ई, इस डिफेंस का यूज़ करते हैं, बट दोनों का ही मतलब रक्षा करना होता है। बट अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश लिखनी हो तो इस डिफेंस का यूज़ करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट वर्ड, और अगर आपको नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफेंस सेकेंड वर्ड इसका यूज़ करेंगे अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश लिखनी हो, ठीक है।
ब्रिटिश लिखनी हो तो फर्स्ट वर्ड का, और कुछ दो से ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बस फर्स्ट वर्ड है डिफेंस, सेकंड वर्ड है डिफेंस। फर्स्ट में सी का यूज़ हुआ है, सेकंड में एस का यूज़ हुआ है। जहाँ सी का यूज़ होगा वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश होगी, जहाँ एस का यूज़ होगा वहाँ अमेरिकन इंग्लिश होगी, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, इमिग्रेट एंड इमिग्रेट, एमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, एमिग्रेट में है, एमिग्रेट की स्पेलिंग जो कि हमारा फर्स्ट वर्ड है GRATE, यानी कि एमिग्रेट की स्पेलिंग क्या है, EMIGRATE, एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब क्या होता है, एमिग्रेट का मतलब ये होता है कि किसी देश को त्याग देना। क्या होता है एमिग्रेट का मतलब, किसी देश को त्याग देना, अपने देश को छोड़कर किसी और देश में शिफ्ट होना, दैट मीन्स एमिग्रेट। अब इमिग्रेट क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेट जिसकी स्पेलिंग है EMIGRATE, इमिग्रेट है ना नेक्स्ट वर्ड। तो इसमें है कि इंसान जो पर्सन है वो अपने देश में तो रहता ही है बट किसी और जगह शिफ्ट हो जाता, जहाँ वो रहता था वह अपने मूल देश में ना रह के किसी और देश में रहता है, दैट मीन्स इमिग्रेट। आपको डिफरेंस समझ आया, फर्स्ट वर्ड एमिग्रेट का मतलब है अपने देश को त्याग देना, सेकंड वर्ड इमिग्रेट का मतलब है अपने देश में ही रहना बट जहाँ आप रहते थे वहाँ नहीं रह रहे, कहीं और शिफ्ट हो गए, दैट मीन्स इमिग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फर्दर। क्या है नेक्स्ट वर्ड आपका, फर्दर। जिस फर्स्ट वर्ड फर्दर FURTHER, फर्दर, इस फर्दर का मतलब होता है आगे। आप सेकंड आप पूछोगे कि सेकंड वर्ड के फर्दर का मतलब क्या होता है, FARTHER, तो बस दोनों में जो वोवल है इस फर्दर में यू वोवल का यूज़ किया है, और इस वाले जो सेकंड वर्ड के फर्दर में ए वोवल का यूज़ किया है। किस वोवल का यूज़ किया है, यू और ए वोवल का डिफरेंस है। जहाँ पे भी फर्स्ट वर्ड में जो यू है, जहाँ पर भी यू वोवल का यूज़ किया जाएगा, दोनों का मतलब ही आगे होता है। मैं पहले बता देती हूँ आपको कि इन दोनों फर्दर का ही मतलब आगे होता है, बट इस फर्दर का जहाँ जहाँ यू वोवल का यूज़ होगा वहाँ पर आप जहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा वहाँ इस फर्दर का यूज़ किया जाएगा। जहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा, जहाँ पे भी आगे वर्ड का यूज़ होगा वहाँ FURTHER फर्दर का यूज़ होगा। बट जहाँ ए वोवल का यूज़ हुआ, जहाँ पर भी ए वोवल का यूज़ हुआ, यानी कि इस वर्ड का यूज़ फ्यूचर टेंस में होगा। किस टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में। तभी तो दोस्तों इसका नाम है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब नेक्स्ट है टॉप 30, जो है नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रे वर्सेस ग्रे। आप देख रहे होंगे ये दोनों ही जो है, दोनों ही ग्रे है। जो फर्स्ट वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है ग्रे GRAY, इस ग्रे में ए वोवल का यूज़ हुआ है। किस ए वोवल का यूज़ हुआ है ना, अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रे GREY, इसमें क्या यूज़ हुआ है, ग्रे का यूज़ हुआ है बट इसमें ई वोवल का यूज़ हुआ है। किस वोवल का, दोनों में कौन से वोवल का डिफरेंस है, ए और ई। तो देखिए जहाँ पे भी ए वर्ड का यूज़ आ जाए, जहाँ पे भी ए वर्ड ए वोवल का यूज़ आ जाए तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अमेरिकन इंग्लिश। क्या यूज़ करें, जहाँ पे भी, बट इसका यूज़ कहाँ होता है, अमेरिकन इंग्लिश में। और जहाँ ई वोवल का यूज़ हो रहा है, मतलब कि जहाँ ब्रिटिश इंग्लिश लिखी जाती है उस, तो ग्रे उसमें, ये ब्रिटिश इंग्लिश के लिए ग्रे होता है, और जो ये वाला ग्रे है ना, फर्स्ट वाला ग्रे है वो है अमेरिकन इंग्लिश के लिए, और सेकंड वाला ग्रे है वो है ब्रिटिश इंग्लिश के लिए। बट ग्रे दोनों ही एक ही कलर है, यानी कि स्लेटी कलर, दोनों का मतलब है। बट डिफरेंस क्या है, जब हम अमेरिकन इंग्लिश लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड ग्रे का यूज़ होगा, जब हम
ब्रिटिश इंग्लिश लिखेंगे तो सेकेंड वर्ड ग्रे का यूज होगा, मतलब कि जहां ई आएगा वहां ब्रिटिश का, और जहां ए होगा वहां अमेरिकन का यूज होगा, अमेरिकन इंग्लिश का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो हमारे नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो तीन तीन दे रखे हैं, यानी कि हेयर हेयर हेयर, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट और वोवल्स दोनों तीनों में अलग हैं, एक दूसरे में अलग है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसकी स्पेलिंग है हेयर, एच ई ए आर, यानी कि हेयर। हेयर मतलब सुनना, इसका मतलब होगा सुनना, क्या होगा हेयर का मतलब सुनना। अब जो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा सेकंड वर्ड है हेयर, उसकी स्पेलिंग है एच ई आर ई, इसका मतलब है आपका यहाँ, जब हम किसी यहाँ वर्ड का यूज़ करते हैं तब इस हेयर वर्ड का यूज़ करते हैं। जब हमें किसी को बुलाना होगा, बोला हो कि यहाँ बैठ जाओ, तो हेयर वर्ड का यूज, जहाँ पे भी यहाँ का यूज आ जाए वहाँ हेयर का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स हेयर तो नॉर्मली आजकल सभी को पता है जिसकी स्पेलिंग है एच ए आई आर, यानी कि बार। तो तीनों हेयर में डिफरेंस आया, फर्स्ट हेयर यानी कि सुनना, सेकंड हेयर यानी कि यहाँ, थर्ड हेयर यानी कि बाल। ठीक है, अब सेकंड है एड्स वर्सेस एड्स। आपने कई बार वर्ड्स तो देखे होंगे कहीं पर इस इट्स का जो फर्स्ट वर्ड दे रखा उस इट्स का यूज होता होगा, और सेकंड वर्ड है जो हमारा इट्स तो कहीं इस इट्स का यूज होगा, बट दोनों की में ही डिफरेंस है। बस कितना डिफरेंस है कि इस वाले इट्स में फर्स्ट वाला जो वर्ड है इस वाले इट्स में कॉमा है और इस वाले इट्स में कॉमा नहीं है, यही डिफरेंस है ना, बाकी दोनों की स्पेलिंग सेम ही है। बट इस कॉमे में इतना क्या है कि लोग किसी और सेंटेंस के लिए इस इट्स का यूज करते हैं जो हमारा फर्स्ट वर्ड दे रखा है, और कहीं सेकंड के लिए इट्स का यूज करते हैं जहाँ विदाउट कॉमा यूज करते हैं। तो हम मैं बताऊंगी आपको कि फर्स्ट वर्ड है ना जो हमारा ये इट्स जिसमें विद कॉमा है, तो इसमें इट्स का यूज जब करते हैं जब हमें कहीं इट हैज का यूज करना हो, तो इस कॉमे वाले इट्स का यूज करते हैं जो हमारा फर्स्ट वर्ड दे रखा। और जो ये हमें सेकंड वर्ड दिखाई दे रहा है इट्स विदाउट कॉमा, विदाउट इनवाइटेड कॉमा जो दे रखा है, इस इट्स का यूज हम जहाँ करेंगे जहाँ हमें लिखना होगा अपना, यह अपना, ओन, जहाँ पे भी ओन वर्ड का यूज आएगा ना समझ जाओ ये वाला इट्स यूज होगा, और जहाँ पे इट हैज का यूज होगा समझ जाओ कॉमे वाले का होगा, इन्वाइटेड कॉमे वाला इट्स आएगा। ठीक है, अब है आपका इन्फर वर्सेस एम्प्ली। फर्स्ट वर्ड जो कि है इन्फर, इन्फर की स्पेलिंग क्या दे रखी है आई एन एफ ई आर, इन्फर की स्पेलिंग यही है ना, तो इस फर्स्ट वर्ड का मतलब है, इस फर्स्ट का मतलब है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, क्या होता है तर्क और वितर्क करना। और सेकंड वर्ड है इम्प्ली, आई एम पी एल वाई। दोस्तों इस इम्प्ली का मतलब ही इम्प्ली का मतलब ही मतलब है, जहाँ पे भी मतलब वर्ड का यूज हो जाए यानी कि इम्प्ली का यूज होगा। इन्फर मतलब तर्क वितर्क करना, और इम्प्ली मतलब मतलब, जहाँ पे भी आपको मतलब, जहाँ पे आपको बताना हो इसका मतलब ये है तो इम्प्ली वर्ड का यूज होगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब यूज हो रहा है ना, आपको वर्ड का इम्प्ली वर्ड का यूज करना है। जहाँ पे भी आपको तर्क वितर वाला सेंटेंस यूज करना है वहाँ पे इन्फर का यूज हो जाएगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स वीडियो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। न्यू, जैसा कि दोस्तों न्यू दिख रहा है आपको, फर्स्ट वर्ड न्यू दे रखा है के एन ई डब्ल्यू, जिसकी स्पेलिंग है के एन ई डब्ल्यू, तो हम फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इसका मतलब है जानता था। नेक्स्ट वर्ड है न्यू, एन ई डब्ल्यू, इस न्यू का मतलब होता है कोई नई चीज, नया, तो दोनों में डिफरेंस समझ आया, जहाँ पे के एन ई डब्ल्यू का यूज होगा वहाँ पे होगा जानता था, जहाँ ओनली एन ई डब्ल्यू का मतलब होगा वहाँ होगा नया। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। ले, ले वर्सेस लाए, ले वर्सेस लाए, ले यहाँ फर्स्ट जो वर्ड है ले, एल ए वाई ले, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बिछाना, मेनली वर्ड इसका मतलब है बिछाना। सेकंड वर्ड है एल आई ई, लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठा,
लाए, बोलते हैं ना यू आर अ लायर, दैट मीन्स वो यही वर्ड है लाए। और ये ले है ना, ले मतलब जहाँ पे भी एल ए वाई का यूज होगा समझ जाना बिछाना, इसका मतलब है बिछाना। और जैसे सेकेंड वर्ड एल आई ई का यूज हो समझ जाना झूठ बोलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है लॉस वर्सेस लूज, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों में कॉन्सोनेंट अलग है, यहाँ पे वन कॉन्सोनेंट, सॉरी फ्रेंड्स यह है वोवल, क्या है जहाँ ए ई आई ओ यू हमारा होते हैं वोवल, तो यहाँ पे एक वोवल का यूज किया गया ओ वोवल का, यहाँ पे डबल वोवल का यूज किया है, डबल ओ वोवल का। तो एल ओ एस ई, एल ओ एस ई जहाँ पे भी आ जाए लॉस, यानी कि कोई चीज कुछ खो चुका है, लॉस का मतलब होता है खोना, क्या होता है लॉस का मतलब खोना, जहाँ लूज वर्ड का यूज हो जाए, जहाँ पे भी डबल ओ आ जाए लूज, एल ओ डबल ओ एस ई यानी कि ढीला, जहाँ पे सिंगल ओ का यूज हो वहाँ होगा खोना, जहाँ डबल ओ का यूज होगा वहाँ होगा ढीला। इस जो फर्स्ट वर्ड है लॉस, इस लॉस का मतलब है खो, मतलब कि कोई चीज खोना, और इस जो डबल ओ सेकेंड वर्ड है इसका मतलब है कि ढीला, कोई चीज ढीली है। लीड, एल ई ए डी, लीड फर्स्ट वर्ड क्या है लीड, इसकी स्पेलिंग है एल ई ए डी लीड। अब इस लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, और सेकेंड वर्ड है एल ई डी लेड, इसका भी मतलब होता है नेतृत्व करना, क्या होता है इसका मतलब नेतृत्व करना। अब नेतृत्व करना तो होता है दोनों का मतलब, बट इसे यूज कहाँ करेंगे, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना दोनों का ही मतलब नेतृत्व करना होता है, बट इसे यूज कहाँ करेंगे। लीड का यूज जब होगा, जो फर्स्ट वर्ड है एल ई ए डी, इस लीड का यूज जब होगा जब कोई चीज प्रेजेंट टेंस में होगी, कोई चीज प्रेजेंट टेंस में होगी। इस लीड का यूज जब करेंगे, जब पास्ट टेंस यूज होगा। इस वर्ड का यूज कब करेंगे, जब पास्ट टेंस यूज होगा। समझ आया फ्रेंड्स के दोनों का ही मतलब नेतृत्व करना है, लीड या लेड। अब लीड लेड में डिफरेंस क्या है, दोनों का ही मतलब नेतृत्व करना है, बट फर्स्ट जो लीड है उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, जहाँ सेकंड वर्ड एलईडी आ जाएगा वहां को हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे, जहाँ पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा, ठीक है। अब है पीस, क्या है अब पीस, पी आई ई सी ई पीस, स्पेलिंग क्या है पी आई ई एस ई पीस, पीस यानी शांति, क्या होता है पीस का मतलब शांति, और इस पीस का मतलब क्या है पी ई ए सी ई पीस, जो कि हमारा सेकंड वर्ड है पी ई ए सी, वही हमारा फर्स्ट वर्ड है पी आई ई सी ई। अब फर्स्ट जो वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है पी आई ई सी ई, उसका मतलब है टुकड़ा, और यही सॉरी गाइस, जो फर्स्ट वर्ड है उसका मतलब है शांति, जहाँ पी ई ए सी ई आ जाए वहाँ उसका मतलब है कोई चीज टुकड़ा, यानी कि डिवाइडेड वर्ड, डिवाइडेड। सेकंड, सेकंड का मतलब होगा सेकंड जो वर्ड है ना पी ई ए सी ई। तो डिफरेंस क्या है कि वोवल्स इनके चेंज है, फर्स्ट वर्ड में ई वोवल का यूज हुआ है, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड में ए वोवल का यूज, बस वोवल्स के डिफरेंस से ही इन दोनों का मतलब बदल गया, कि पीस का मतलब हो जाएगा फर्स्ट वर्ड का मतलब शांति, और इस पीस का मतलब हो जाएगा टुकड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमारा है नेक्स्ट वर्ड पीस, यानी कि फर्स्ट इसकी स्पेलिंग दिख रही है पी आई ई सी ई, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, बट सेकंड वर्ड है पीस पी ई ए सी ई, इस पीस का मतलब है शांति। तो डिफरेंस समझ आ रहा है कि ई और ए वोवल जहाँ ही डिफरेंट हुए, जहाँ ई वोवल का यूज होगा यानी कि जिस जो फर्स्ट वर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो उसका मतलब है टुकड़ा, जहाँ ए वोवल का यूज हुआ यानी कि सेकंड वर्ड तब यूज होगा शांति, शांति का, ठीक है। जहाँ पे भी शांति वर्ड हो वहाँ ए वोवल वाले पीस का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ,
नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल, दोनों की स्पेलिंग आपको दिख रही होगी डिफरेंस है, दिख रहा है ना कि दोनों की स्पेलिंग डिफरेंस है। फर्स्ट वर्ड पी आर आई एन सी आई पी आर एल ई, ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत क्या होता है। फर्स्ट वर्ड जो प्रिंसिपल है जिसकी स्पेलिंग है पी आर आई एन सी आई पी एल ई, इस प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। बट जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है, उसकी स्पेलिंग क्या है, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, तो इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो जैसे कि ऊपर आपको हेडिंग में दिख रहा होगा कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो दोस्तों बस यही आपको कंफ्यूज करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पेलिंग क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। जहाँ पे भी एल ई वाला प्रिंसिपल यूज़ होगा, जैसे कि हमारे फर्स्ट वर्ड में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे है मतलब सिद्धांत। जहाँ आपको प्रधानाचार्य वर्ड का यूज़ करना है, यानी कि प्रिंसिपल कौन सा होगा, ए एल जिसके लास्ट में हो। क्वाइट वर्सेस क्वाइट, जो फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी स्पेलिंग है की क्यू यू आई ई टी क्वाइट, हम कहते हैं ना कीप क्वाइट, तो ये वही वाला क्वाइट है कि मतलब चुप होना, इसका मतलब है चुप रहना, शांत रहना। और इस वाले क्वाइट का मतलब है क्यू यू आई टी ई, इस क्यूट का क्या मतलब है, क्वाइट का मतलब, सॉरी फ्रेंड्स, क्वाइट का मतलब, इस क्वाइट का मतलब क्या है, अत्यंत, बिल्कुल। जो सेकंड वर्ड है ना हमारा, जिसकी स्पेलिंग है क्यू यू आई टी ई, तो इस यहाँ पे जब इस वर्ड का यूज़ करेंगे, जहाँ पे कोई हिंदी वर्ड जो अत्यंत बिल्कुल, इस क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत बिल्कुल। राइट वर्सेस राइट, दोस्तों देखो इसमें कितना डिफरेंस है। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा आर आई जी एच टी राइट, अब सेकंड वर्ड है राइट, क्या है सेकंड वर्ड, राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, तो डिफरेंस दिख गया होगा आपको कि आर और डब्ल्यू का डिफरेंस है, डिफरेंस है ना। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारा है राइट, उसका मतलब है सही, सेकंड वर्ड है हमारा जो राइट, जिसमें डब्ल्यू आर आई टी ई का यूज़ है, वो होगा लिखना। राइट मतलब सही, बट आपने कई बार सुना होगा राइट मतलब सही, राइट मतलब सुनना, बट इनकी स्पेलिंग तो अलग है ना। जैसे कि हमारे फर्स्ट वर्ड में आर आई जी एस टी राइट, राइट मतलब लिखना, सेकंड वर्ड है राइट डब्ल्यू आर आई टी ई, तो उसका मतलब होता है लिखना। जो ये फर्स्ट वर्ड है ना आर आई जी एस टी राइट, इसका मतलब होता है सही, कोई चीज़ सही हो, ठीक है। और जो है ना डब्ल्यू आर आई टी ई, वो वाला राइट है ना सेकंड वर्ड, उसका मतलब है आपका लिखना। दोस्तों नेक्स्ट उस पे आते हैं, हम अपने वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि आपने स्टेशनरी वर्ड का यूज़, जब भी आप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोनों ही वर्ड स्टेशनरी, जब भी आप स्टेशनरी वर्ड का यूज सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, स्टेशनरी शॉप, जहाँ पे आपकी पेंसिल पेन रबर कोई भी चीज़ मिलती हो, तो आप यही सोचते हो ना कि हाँ भाई स्टेशनरी वाली दुकान पे चलते हैं। बट यहाँ पे दोनों ही स्टेशनरी का मतलब डिफरेंस है। एक तो आप जो सोचते हो कि जो स्टेशनरी शॉप है वो वाला सही सोचते हो, बट इन दोनों में से वो वाली स्टेशनरी है कौन, तो जानेंगे, देखिए आप वीडियो को और अच्छे से समझिए। एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई, जी ये वाली स्टेशनरी है ना दोस्तों, इसका मतलब है कोई स्थिर चीज़ को देखना। जहाँ पे भी स्थिर वर्ड का यूज़ हो जाए, किसका यूज़ हो जाए, स्थिर वर्ड का, वहाँ आ जाएगा ये वाली स्टेशनरी जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है सेकंड वर्ड, वो भी स्टेशनरी है, तो आप सही समझ रहे हैं कि इस स्टेशनरी का ही मतलब है कि स्टेशनरी वाली शॉप जहाँ पे आपके पेन पेंसिल मिलते हैं, तो बस इस स्टेशनरी का मतलब है लेखन सामग्री। क्या मतलब है इसका, लेखन सामग्री, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई,
स्टेशनरी, वॉवल यहाँ पे चेंज है दोनों में ही, फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, ए वॉवल का यूज किया है, सेकेंड वर्ड में ई वॉवल का यूज किया है। जो फर्स्ट वर्ड है जिसमें ए वॉवल का यूज आ जाए, सोच लो कि यहाँ पे स्थिर वर्ड का यूज है, और जहाँ ई वॉवल का यूज आ जाए सोच लो कि इसमें लेखन सामग्री का यूज है, यानी कि जो भी आप लिखते हैं पढ़ते हैं वो वाली चीजें जो यूज होती हैं, यानी कि वो स्टेशनरी। तो समझ आया फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो जो चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है उसको तो थैंक्स, उन लोगों को थैंक्स। अब है नेक्स्ट वर्ड, आपको थ्री वर्ड्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक है टी डब्ल्यू ओ टू, नेक्स्ट सेकेंड वर्ड है टी डबल ओ टू, और थर्ड है टी ओ टू। अब तीनों वर्ड्स के स्पेलिंग अलग है बट तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो हुआ ना कंफ्यूजिंग वाला वर्ड। तो टी डब्ल्यू ओ टू का मतलब तो आप सभी जानते होंगे दो, बट बहुत से लोग इन दोनों जो ये है ना टी डबल ओ टू और टी ओ सिंगल ओ का जहाँ यूज है उसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि उनको प्रॉब्लम रहती है कि ये टू का यूज़ कब किया जाता है और ये टी ओ टू का यूज़ कब करते हैं। तो इस टू का मतलब होता है ज़्यादा, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना टू मच गुड के, बहुत अच्छा है, जहाँ पे भी बहुत वर्ड का यूज़ आ जाए वहाँ पे आएगा, समझ लो टी डबल ओ का यूज़ करना है तो करना ही है। और जहाँ पे टी ओ आ जाए वहाँ का मतलब होता है से, इस सिंगल टी ओ टू का मतलब होता है से, यानी कि जो हमारा थर्ड वर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है इसका मतलब होता है से। हम बोलते हैं ना दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई, तो क्या टू का यूज़ करते हैं ना टी ओ टू, इसका मतलब से होता है। नेक्स्ट वर्ड है देयर वर्सेस देयर, देख दिख रहा होगा कि फर्स्ट वर्ड है टी एच ई आई आर देयर, जहाँ पे भी इस स्पेलिंग का यूज हो टी एच ई आई आर समझ जाओ इस देयर का मतलब है उनका, इस देयर का मतलब क्या है उनका। जहाँ पे भी सेकंड वर्ड दिख रहा होगा टी एच ई आर ई, जिसकी स्पेलिंग ये हुई जिसके लास्ट में ई आर ई देयर, इस वाले देयर का मतलब होता है वहाँ, बोलते हैं ना कि देयर। अब आप लोग डिफरेंस अब सोचते हैं इस देयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ई आई आर ई आर ई वाले का देयर का, दोनों तो सेम बोलने में सेम है बट दोनों की मीनिंग बहुत अलग है। जहाँ पे भी ई आई आर फर्स्ट वर्ड टी एच ई आई आर आ जाए वहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, क्या होता है दोस्तों देयर का मतलब जो फर्स्ट वर्ड है वहाँ, इस देयर का मतलब होता है उनका, फर्स्ट वाले वर्ड का मतलब क्या होता है उनका, और सेकंड वाले वर्ड का मतलब होता है वहाँ, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होगी टी एच ई आई आर उनका, टी सेकंड वर्ड है टी एच ई आर ई उनका, तो वहाँ पे आ जाएगा वहाँ वर्ड का यूज। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो इसी तरीके कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कुछ भी सीखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mufto.shiksha पे जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर करके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स पा सकते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा से जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट मुफ्त शिक्षा पे जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे सिलेबस वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे वेट, डब्ल्यू ए आई टी वेट, सेकेंड वर्ड है डब्ल्यू ई आई जी एच टी, दोनों की ही स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन दोनों के ही सेम है। अब फर्स्ट वर्ड वेट का मतलब क्या होता है, सेकेंड वेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वेट का मतलब होता है कि किसी का इंतजार करना, जो सेकंड वेट दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डब्ल्यू ई आई जी एच टी, इसका मतलब होता है वजन, ठीक है। अब है हुज, हुज मतलब कौन है, यहाँ पे स्पेलिंग दिख रही है फर्स्ट वर्ड पे डब्ल्यू एच ओ इन्वर्टेड कॉमा एस, हुज मतलब कौन है, ठीक है। अब है हुज, दोनों को ही हुज पढ़ते हैं, इस वाले फर्स्ट वर्ड को भी हुज पढ़ते हैं सेकंड को भी, बट दोनों में डिफरेंस तो है ना कि दो। अब इसकी स्पेलिंग है डब्ल्यू एच ओ एस ई, जहाँ पे भी डब्ल्यू एच ओ एस ई स्पेलिंग का यूज हो समझ जाओ कि वहाँ पे पूछा है किसका,
और जहाँ पे भी हु का यूज़ हो समझ जाओ कि कौन है, हुज़ का यूज़ हो तो किसका। आपको दिख रहा हो, कई लोग सोचते हैं, कई लोग स्पेलिंग लिखते होंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वूमेन, ठीक है, कई लोग स्पेलिंग लिखते हैं WAMAN और कई लोग लिखते हैं WOMEN। तो अब पूछते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या, हम ए लिखते हैं दो डिफरेंस क्या, ई लिखते हैं तो दोनों के वॉवल्स अलग हैं, फर्स्ट वर्ड में जो यूज़ किया है वो ए वॉवल है और सेकेंड वर्ड में जो यूज़ किया है वो ई वॉवल है। दिख रहा है ये फर्स्ट वर्ड का ए और सेकेंड वर्ड का ई वॉवल, बस इतने से ही क्या डिफरेंस हो जाता है मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट है WOMAN, यानी कि जब हम सिंगल वूमेन का यूज़ कर रहे हो, एक सिंगल औरत का यूज़ कर रहे हो, तब इस वूमेन का यूज़ होता है। और जहाँ पे WMEN WOMEN जहाँ पे भी ई आ जाए वॉवल, वूमेन में ई वॉवल का यूज है, समझो दो से दो या दो से अधिक औरतों की बात हो रही हो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट वर्ड की तरफ। योर YOUR, योर मतलब आपका, जो फर्स्ट वर्ड है उस योर का मतलब बताया आपका, इसका मतलब है नेक्स्ट है YOU, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के आर ई लिखा है, यानी कि यू आर मतलब आप कर रहे हैं। योर और यू आर में अंतर समझ आ गया दोस्तों। योर यानी कि YOUR, योर मतलब आपका, और यू आर ऐसे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकेंड वर्ड लिखा, ऐसे अगर वर्ड ऐसे फॉर्मेट में लिखा हो तो मतलब आप कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे वीडियो कंप्लीट होती है, जो हमारी आज की थी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो वो यहीं कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही ऐसी वर्ड मीनिंग्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप तो देख ही रहे हैं, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।